सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय अंक हम पढ़ रहे हैं और प्रसंग ये चल रहा है यहाँ पर बुद्धि को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, नित्य है या अनित्य है। तो यहाँ पर एक बात आई, पूर्व पक्षी का कहना ये है कि वृत्तियाँ जो हैं वो वृत्तियों के समूह का नाम ही बुद्धि है। तो वृत्ति और वृत्तिमान कोई अलग चीज नहीं है, और वृत्तिमान क्या है? नित्य है, तो ये तो दोनों ही मानते हैं, तो इसलिए वृत्तियां भी क्या हुई? नित्य हुई। तो बुद्धि क्या हो गई? नित्य हो गई, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ इन्होंने बताया था नए युगपत अघ्रणाथ, उसके दोष दिखाए कि यदि वृत्ति और वृत्तिमान को एक ही मानेंगे तो सब वस्तुओं का ग्रहण एक साथ होने लगेगा। तो जो हमने यहाँ पर शास्त्र में जो मन आदि का लक्षण बताया है तो वो तो खंडित होने लगेगा, क्योंकि हमने लक्षण क्या बताया था? युगपत अग्रहणात्, एक साथ नहीं होता है। जब वृत्ति वृत्तिमान एक ही है यदि, तो वृत्तिमान यदि नित्य है तो वृत्तियां भी नित्य है, वृत्तियां नित्य हैं तो सारे ज्ञान एक साथ होने लगेंगे। अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग। और यदि आप कहो कि नहीं वृत्तियां तो नष्ट हो जाती हैं, तो कहेंगे फिर उसके साथ साथ वृत्तिमान भी नष्ट होने लगेगा, अप्रत्यभिज्ञान मानोगे तो। और यदि ये कहें कि अविभूच एकम मन पर्यायण इंद्रियै संयुज्यते इति, मन कैसा है? अविभू है, और वो बारी बारी से पर्याय से इंद्रियों के साथ संयुक्त तो होता है, तो ये तो सिद्धांति का मत है। तो कहा तब क्रम वृत्तित्वात् अयुगपत ग्रहणम, तब ठीक से हो पाएगा कि क्रमशः वो एक एक वृत्ति के साथ युक्त होता है और जिसके साथ युक्त होता है उसका ग्रहण हो जाता है। अप्रत्यभिज्ञानम च विषयांतर व्यासंगात। और यदि कभी अप्रत्यभिज्ञान होता है इसको, तो इसका मतलब क्या होता है? विषयांतर व्यासंगात, मन किसी दूसरे विषय में व्यासंग है। और तीसरा हेतु दे रहे हैं, दोष दिखाते हुए अपना पक्ष रख रहे हैं, न गत्याभावात। बोले फिर गति का भी अभाव होने लगेगा यदि आप वृत्ति और वृत्तिमान दोनों एक मानेंगे, और वृत्तिमान नित्य है तो फिर गति भी नहीं होगी, क्योंकि जो नित्य है और जो विभू है तो फिर वो गति कैसे करेगा। और जबकि न्याय के सिद्धांत के अनुसार इंद्रियां कैसी हैं? वो गति करके विषय के पास जाती हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय गति करके रूप के पास जाती है, तो इंद्रियां कैसी हैं? प्राप्तानी, ये हमने पढ़ी लिया, प्राप्यकारी हैं, तो वो ही बता रहे हैं। प्राप्तानी इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव। इंद्रियां प्राप्यकारी हैं और वो अंतःकरणेन, अंतःकरण के साथ युक्त होकर के, मन चक्षु इंद्रिय के साथ जुड़ता है, फिर चक्षु इंद्रिय जाके अपने विषय के साथ रूप के साथ उसका सन्निकर्ष होता है, तब हमें रूप का ज्ञान होता है, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है और अंतःकरण उसका साथ देता है। प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतःकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव। तो जिस अर्थ के साथ हो जाकर के गति करके प्राप्त होती हैं, उस गमन का अभाव होने लगेगा। तत्र क्रम वृत्तित्व अभावात्
अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति रीति। तो कह रहे आपके मत में तो क्रम वृत्तित्व अभावात, क्रम की वृत्ति का अभाव हो जाएगा, क्रम वृत्तित्व बनेगा ही नहीं, इसलिए अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति रीति। तो वहां तो अयुगपत ग्रहण हो ही नहीं रहा था, जिसके लिए हमें सूत्र बनाना पड़ता तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो अयुगपत ग्रहण अनुपपत्ति रीति आपके पक्ष में तो ये हो ही नहीं रहा था, अयुगपत ग्रहण युगपत ही हो रहा था, तो ये सूत्र बनाना ही नहीं पड़ता। गत्यभावाच्च प्रतिसिद्धम विभो अंतःकरणस्य अयुगपत ग्रहणम्। तो कहा गत्यभावाच्च प्रतिसिद्धम, तो गति का अभाव भी प्रतिसिद्धम आपके पक्ष में प्रतिसिद्ध हो जा रहा है, हो जाएगा। कब? विभो अंतःकरणस्य, अंतःकरण के विभू होने से, और अयुगपत ग्रहणम, और अयुगपत ग्रहण जो था वो भी प्रतिसिद्ध हो जाएगा। यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए, दो चीजें जो है वो प्रतिसिद्ध हो जाएंगी। विभो अंतःकरणस्य, अंतःकरण को विभू मानने से अयुगपत ग्रहणम गत्यभावश्च प्रतिसिद्धम, तो ये दोनों प्रतिसिद्ध होने लगेंगे। न लिंगांतरेण अनुमीयते इति, और ये तो किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रहा है, बल्कि क्या प्रमाण से सिद्ध हो रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण से। यथा चक्षुषो गति प्रतिसिद्धः सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्य काल ग्रहणात् पाणी चंद्रमसो व्यवधानेन प्रतिघाते सा अनुमीयते इति। कह रहे जैसे चक्षुषो गति प्रतिसिद्धः, जब आंख की गति को प्रतिषेध कर दिया जाता, खंडित हो जाती है, मानो हमने उसके आगे कोई आवरण आदि लगा दिया है। यथा चक्षुषो गति प्रतिसिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयोः तुल्य काल ग्रहणात्, तो वो नजदीक की वस्तु या दूर की वस्तु जो तुल्य काल ग्रहणात्, एक ही काल में ग्रहण होती है। ऐसा नहीं है कि दूर की वस्तु है तो वहां तक जाने में थोड़ी देर लगेगी चक्षु रश्मि को, या नजदीक वाली है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। नजदीक और दूर दोनों में एक ही साथ देख लेती है, तो उसकी गति इतनी फास्ट है, पर उस गति में यदि हमने उसको खंडित कर दिया, प्रतिघात कर दिया, तो वो दोनों ही वस्तु हमें नहीं दिखेंगी। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात् पाणी चंद्रमसो व्यवधानेन प्रतिघातो सा अनुमीयते। जैसे मानो कोई वस्तु मेरे सामने, यहाँ ये पुष्प है और इसमें मैंने हाथ लगाया तो ये नहीं दिख रही है, ऐसे मानो कोई दूर की वस्तु है, चंद्रमा है जैसे, और वहां मैंने हाथ लगाया बीच में तो चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, और जब मैंने हाथ हटाया तो जितनी देर में चंद्रमा दिख रहा है उतनी देर में ये पुष्प भी दिख रहा है। तो इससे क्या पता लगा कि चक्षु रश्मि की गति हो रही है, और वो तुल्य काल में नजदीक की और दूर की दोनों वस्तुओं को तुल्य काल में ही देख लेती है। तो इससे पता लगा कि इंद्रियां गति वाली हैं। यथा चक्षुषो गति प्रतिसिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात् पाणी चंद्रमसो व्यवधानेन प्रतिघाते सा अनुमीयते। सा का गति, सा गति अनुमीयते, उस गति का प्रमाण मिलता है। सोयम अंतः करणे विवाद, तो कह रहे हैं इस प्रकार से हमारा जो है सो अयम न अंते करणे विवाद न तस्य नित्यत्वे, तो इस प्रकार हमारा आपके साथ ना तो अंतःकरण को लेकर के कोई विवाद है और ना उसके नित्यत्व को लेकर के विवाद है, सिद्धांती कह रहा है। क्योंकि हम अंतःकरण को भी मानते हैं और अंतःकरण को नित्य भी मानते हैं, लेकिन जो अंतःकरण इंद्रिय और अर्थ तीनों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें हमारा विवाद है आपके साथ। हमारा ना तो अंतःकरण को लेकर के विवाद है, ना अंतःकरण के नित्यत्व को लेकर के विवाद है, बल्कि ज्ञान के, बुद्धि के नित्यत्व को लेकर के विवाद है। समझ में आ गया? स्वयं न अंतःकरणे विवादो न तस्य नित्यत्वे, क्योंकि सिद्धम ही मनो अंतःकरणम नित्यम च इति, क्योंकि हम भी मानते हैं कि सिद्धम ही मनः अंतःकरणम, मन जो है वो अंतःकरण है, ये भी सिद्ध है, हम मानते हैं कि एक करण है अंदर, और नित्यम च इति, और वो करण
नित्य भी है, ये भी हम मानते हैं। क्व तर्हि विवाद, तो फिर विवाद कहाँ है? तस्य विभुत्वे, उस अंतःकरण के विभुत्व में एक तो हमारा विवाद है, क्योंकि हम अंतःकरण को क्या मानते हैं? अणु परिमाण वाला, विभु नहीं मानते। तस्य विभुत्वे तच्च प्रमाण तो अनुपलब्धे प्रतिसिद्धम इति, और कह रहे हैं वो जो विभुत्व है तच्च प्रमाण तो अनुपलब्ध है, क्योंकि कहीं भी प्रमाण से उसकी विभुता हमें मिलती नहीं है, इसलिए प्रतिसिद्धम इति, उसका विभुता हम नहीं मानते। एकम च अंतःकरणम नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तयः, हम क्या मानते हैं? अंतःकरण एक ही है और उसको ज्ञान कराने वाली जो वृत्तियां हैं ये नाना हैं, अर्थात पांच हैं, पांच विषय हैं, तो वृत्तियां भी पांच प्रकार की हैं। चक्षुर विज्ञानम, घ्राण विज्ञानम, रूप विज्ञानम, गंध विज्ञानम, तो ये इन्होंने चार तो गिना ही दी। एक वृत्ति है जिससे जो चक्षु जिसका ज्ञान कराती है, घ्राण जिसका ज्ञान कराता है, रूप का विज्ञान, गंध का विज्ञान, ये इसकी क्या है? वृत्तियां हैं अंतःकरण की। एतच्च वृत्ति वृत्ति मतो एकत्वे अनुपपन्नम इति, तो इससे ये पता लगा वृत्ति और वृत्ति वाला उसका एकत्व नहीं हो सकता है, क्योंकि एकत्व हो तो चक्षु का विज्ञान ऐसे नहीं होगा, फिर घ्राण का विज्ञान, रूप विज्ञान, ये तो तभी संभव है ना कि जब घ्राण का विज्ञान अलग है और विज्ञान वाला अलग है, एक ही हो तो ये शब्द कहने की आवश्यकता ही नहीं, वृत्ति और वृत्तिमान एक ही हो तब तो। एतच्च वृत्ति वृत्ति मतो एकत्वे अनुपपन्नम इति, तो ये कथन जो है एक होने पर उपपन्न नहीं हो पाएगा, इसलिए पुरुष हो जानीते न अंतःकरणम इति, तो ये ज्ञान पुरुष का है, पुरुष जानता है इन वृत्तियों को, चक्षु वृत्ति घ्राण वृत्ति आदि को, अंतःकरण नहीं जानता है, वो केवल करण बनता है। एतेन विषयांतर व्यासंगः प्रत्युक्तः, तो इस प्रकार से यहाँ भाष्यकार ने क्या कर दिया, विषयांतर प्रासंग वाला जो इन्होंने बताया था ना, उसका इन्होंने एक तरह से खंडन कर दिया, क्योंकि विषयांतर व्यासंग वाले प्रसंग से क्या पता चल रहा था कि मन जानता है, मन यदि कहीं इधर उधर है तो नहीं जानता है वो, तो इन्होंने उसको खंडित करके क्या बता दिया, मन नहीं जानता है, आत्मा जानता है, पुरुष जानता है। पुरुषो जानीते न अंतःकरणम इति, एतेन विषयांतर व्यासंगः प्रत्युक्तः, विषयों का मन में प्रत्यभिज्ञान होता है, ऐसा ये जो कह रहा था ना, ये खंडित हो गया। विषयांतर ग्रहण लक्षण विषयांतर व्यासंगः पुरुषस्य न अंतःकरणस्य इति, तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे, विषयांतर ग्रहण लक्षण वाली जो बात इन्होंने कही थी, तो कहा विषयांतर व्यासंगः पुरुषस्य न अंतःकरणस्य इति, विषयांतर व्यासंग किसका होता है? पुरुष का है, अंतःकरण का नहीं है, अंतःकरण तो एक जड़ साधन है। केनचित इंद्रियेण सन्निधि केनचित असन्निधि इति अयम तु व्यासंगो अनुज्ञायते मनस इति, हाँ मन का ये व्यासंग तो है कि वो कभी किसी एक इंद्रिय के साथ उसकी सन्निधि होती है, तो किसी दूसरी के साथ असन्निधि होती है, ये व्यासंग तो मन का मानते हैं हम, लेकिन वास्तव में किसी विषयांतर में व्यासंग केवल मन का नहीं होता है, बल्कि आत्मा का होता है, मन के माध्यम से आत्मा किसी और विषय का चिंतन कर रहा होता है, क्योंकि ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये सिद्ध कर दिया, एकम अंतःकरणम नाना वृत्तय इति, मन एक है, अंतःकरण एक है और उसकी वृत्तियां नाना है। इति सति अभेद वृत्ते इदम उच्यते, तो ये तो कहा सिद्धांती ने, लेकिन इनका क्या मानना है? इनका मानना ये है सति अभेद वृत्ते, अभेद वृत्ते माने वृत्ति और वृत्तिमान दोनों एक ही हैं। तो इन्होंने पूछा था कि भाई फिर अलग से क्रमशः कैसे प्रत्यभिज्ञान होगा, तो ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं इस बात को मानते हुए, ये जो है सति अभेद वृत्ते इदम उच्यते, ये पंक्ति जो है ये पूर्व पक्षी की है, एकम अंतःकरणम नाना वृत्तय इति, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए, ये यहां तक का है सिद्धांती की बात।
तो अभेद वृत्ति मानते हुए पूर्व पक्षीय सूत्र कह रहा है अगला, स्फटिकान्यत्व अभिमानवत तदन्यत्व अभिमान। करे नहीं, ये जो वृत्तियों का अन्यत्व हमें दिखाई दे रहा है, ये चक्षु विज्ञान, घ्राण विज्ञान आदि आदि, ये कैसे है ये अन्यत्व वृत्तियों का? स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत। जैसे मानो कोई स्फटिक मणि है, उसके सामने जब नीला फूल लाए तो वो नीली दिखती है, लाल लाए तो लाल दिखती है, पीली लाए तो पीली दिखती है। तो स्फटिक मणि का नानात्व दिखाई देता है ना, लेकिन वास्तव में स्फटिक मणि तो एक ही होती है। तो ऐसे अंतःकरण का, ये जो वृत्तियों का आपको नानात्व दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्फटिक मणि के अभिमान की तरह आपको भ्रम हो रहा है। वृत्तियां अलग नहीं होती हैं, क्योंकि वृत्ति और वृत्तिमान एक ही है, और उस वृत्तिमान में एक ही वृत्ति होती है। ये अलग अलग जो वृत्तियां आपको लग रही हैं, ये तो आपका भ्रम है स्फटिक मणि की तरह। स्फटिका अन्यत्व अभिमानवत तद अन्यत्वम, तद अन्यत्व माने वृत्तियों का अन्यत्व अभिमान है, आपका भ्रम है, ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है। क्योंकि वो अभेद मान रहा है वृत्ति और वृत्तिमान में। तस्याम वृत्तौ नानात्व अभिमान, कह रहे वो जो अंतःकरण है उसमें वृत्तियों का जो नानात्व है वो आपका भ्रम है। यथा द्रव्यांतरोपहिते स्फटिके अन्यत्व अभिमानो नीलो लोहित इति एवं विषयांतर उपधानात इति। तो कह रहे जैसे यथा द्रव्यांतर उपहिते, किसी द्रव्यांतर के पास रखे जाने पर स्फटी के स्फटिक मणि में अन्यत्व अभिमान है, अन्यत्व का भ्रम हो जाता है। कभी मणि नीली दिखाई देती है, कभी लोहित है, लाल दिखाई देती है। एवं विषयांतर उपधानात इति, ऐसे ही मन में विषयांतर का उपधान होने से वृत्तियां अलग अलग दिखाई देती हैं आप, लेकिन वास्तव में एक ही है अंतःकरण, और उसकी वृत्ति भी एक ही है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न हेतु अभावात, करें नहीं ये तो कोई बात नहीं हुई, इसके पीछे कोई हेतु तो है नहीं। आप ये जो कह रहे हो, आपने सीधा उदाहरण दे दिया स्फटिक मणि का, हेतु तो दिया नहीं। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानो गौणो, स्फटिक के अन्यत्व के अभिमान के समान, भ्रम के समान अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमान है। ये ज्ञानों में भी वृत्तियों में भी नानात्व का जो भ्रम आप बता रहे हैं, ये गौण है, ये तो गौण गौण रूप से आप कह रहे हैं, ये तो मतलब उचित नहीं कह रहे हैं आप। क्यों नहीं कह रहे? कैसे? न पुनः गंधादि अन्यत्व अभिमानवत इति, तो यहाँ पर वो लगा लो अल्पविराम। बोले आप जो उदाहरण दे रहे हैं ये स्फटिक मणि का क्यों दे रहे हैं, बल्कि अन्यत्व इसकी तरह अन्यत्व दिखाओ ना आप, गंध आदि के अन्यत्व की तरह। गंध की वृत्ति अलग है, रूप की वृत्ति अलग है, स्पर्श की वृत्ति अलग है, रस की वृत्ति अलग है, तो उनमें कोई अभिमान भ्रम नहीं हो रहा ना, अलग अलग वृत्तियां ही हैं वो, तो आप स्फटिक मणि का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं हेतुर्नास्ति, आपके पास इस चीज का कोई हेतु तो है नहीं कि आप स्फटिक मणि का ही उदाहरण देंगे, गंधत्व आदि के भिन्नत्व का उदाहरण नहीं देंगे, इसके पीछे कोई हेतु तो नहीं है आपके पास। तो हम क्या मानेंगे कि वृत्तियां भिन्न भिन्न हैं, हमारा दृष्टांत क्या है? गंध आदि का नानात्व। तो ये कह रहे हैं आपके पास भी तो कोई हेतु नहीं है कि अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो गंध आदि का जो आप नानात्व दिखा रहे हैं वो वास्तव में उनका नानात्व है, या स्फटिक मणि की तरह से आपको भ्रम हो रहा है, इसके लिए आपके पास भी हेतु नहीं है। तो दोनों के पास हेतु तो है नहीं, हेतु अभावात अनुपपन्न इति। तो कह रहे हैं आपके पास भी हेतु का अभाव होने से ये उपपन्न नहीं हो पाएगा आपका पक्ष भी। तो कह रहे हैं समानो हेतु अभावत इति चेत, तो दोनों का पक्ष एक समान हो गया हेतु के अभाव में। तो सिद्धांति कह रहे हैं नहीं, हमारे पास तो हेतु है, हमारे पास हेतु का अभाव नहीं है। तो ये पंक्ति सिद्धांति की है, न ज्ञाना नाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्। हमारे पक्ष में जो ज्ञान है उनका उपजन और अपाय
देखा जाता है, माने जिस इंद्रिय के साथ अंतःकरण युक्त होता है वो ज्ञान, उसका उत्पत्ति देखी जाती है, और जिसके साथ असन्निधि होती है उसका विनाश देखा जाता है। तो उत्पत्ति और विनाश देखे जाने से क्रमेण क्रमश ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु इंद्रिय अर्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते। क्रमशः हमारे पक्ष में इंद्रियां जो हैं वो अपने अपने विषयों में ज्ञान उत्पन्न करती हैं। उपजायन्ते उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, और क्रमशः उनका विनाश भी होता रहता है उन ज्ञानों का। तो हमारे पक्ष में तो हेतु है, तस्मात् गंधादि अन्यत्व अभिमानवत् अयम् ज्ञानेषु नानात्व अभिमान इति। इसलिए जो गंधादि वृत्ति हैं इनके भिन्नत्व के समान ही आपको ये मानना चाहिए, गंधादि अन्यत्व अभिमानवत् अयम् ज्ञानेषु नानात्व अभिमान। नानात्व का अभिमान यदि आप ले रहे हैं, उसको आप भ्रम बता रहे हैं, तो ये कैसा है, गंधादियों की तरह से भिन्नत्व है, न कि स्फटिक मणि के भिन्नत्व की तरह से है। तो यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना कि जब गंध वृत्ति होती है तब बाकी की चार वृत्तियां नहीं होती हैं। तो उसका हमें ज्ञान होता है कि ये गंध अच्छी है बुरी है, और वो वास्तव में वैसी होती है। वो ऐसा नहीं है कि वहां तो नीली मणि हुई नहीं थी ना, वो तो रिफ्लेक्शन था, तो वो तो वास्तव में भ्रम है। लेकिन यहाँ तो हमें गंध का ज्ञान हो रहा है, यहाँ तो हमें रूप का ज्ञान हो रहा है, तो वो उस मणि की तरह से भ्रमित नहीं है, बल्कि वास्तव में ही एक अलग अलग वृत्ति है, रूप की रस की गंध की, क्योंकि वो हमें मिलते हैं उस रूप में, मणि तो मिलती नहीं है कि चलो अभी लाल को हटा दिया तो लाल मणि अब उपलब्ध हो जाए या नीली हो जाए। तो कह रहे हैं ये नानात्व जो वृत्तित्व है ये अभिमान गंधादि के समान है, न कि स्फटिक मणि के समान। इति नवभि सूत्रैहि बुद्ध्यनित्यता प्रकरणम्। तो यहाँ तक ये नौ सूत्रों के माध्यम से ज्ञान क्या है, अनित्य है, बुद्धि क्या है, अनित्य, नित्य नहीं है, ये सिद्ध कर दिया इन्होंने। लेकिन इतनी जल्दी तो हार मानने वाला पूर्व पक्षी भी नहीं है। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् इति एतत् अमृष्यमाण क्षणिकवादी आह। जब इन्होंने कहा ना कि ये स्फटिक का अन्यत्व है ये उचित नहीं है, बल्कि आपको नानात्व दिखाना है तो कैसे दिखाओ, गंधादि के समान, तो इस बात को अमृष्यमाण सहन न करते हुए क्षणिकवादी आह, पूर्व पक्षी जो क्षणिकवादी है वो अगला सूत्र कह रहा है, ये कह रहे हैं स्फटिके पी अपरा परोत्पत्ते क्षणिकत्वात् व्यक्तिनाम हेतु। कह रहे नहीं, जैसे यहाँ ज्ञान की अलग अलग वृत्तियां उत्पन्न होती रहती है ना गंधादि की, ऐसे ही स्फटिके अपि अपर अपर उत्पत्ते है, दूसरी दूसरी स्फटिक मणि उत्पन्न होती रहती है। एक बार लाल उसके सामने लाए तो लाल स्फटिक मणि उत्पन्न हो गई, फिर नीला फूल लाए तो नीली उत्पन्न हो गई। तो ये तो था कोई विषय सामने लाए तब, लेकिन कोई भी विषय सामने नहीं लाए तो भी ये कह रहे हैं हर क्षण वो स्फटिक मणि एक नई उत्पन्न हो रही है। एक क्षण पहले जो आपने स्फटिक मणि देखी थी वो पूरी नष्ट हो गई, क्योंकि ये हर वस्तु इनके मत में क्या है, क्षणिकवादी, तो वो मणि तो नष्ट हो गई। जब आप अगले क्षण में देख रहे हो तो कोई दूसरी मणि है वो बिल्कुल। तो कह रहे हैं स्फटिके अपि, स्फटिक में भी अपर अपर उत्पत्ते, दूसरी दूसरी स्फटिक मणि की उत्पत्ति होने से, क्यों, क्षणिकत्वात्, क्योंकि स्फटिक मणि तो अपने आप में क्षणिक है, हर वस्तु क्षणिक है, इसलिए व्यक्ति नाम अहेतु, स्फटिक व्यक्तियों का भी जो नानात्व है वो उचित है। तो उसमें आप अहेतु का दोष नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास भी है हेतु। स्फटिकस्य अभेदेन, मन किसी को बातों में हराना हो ना यदि, तो न्याय दर्शन पढ़ लो, न्याय दर्शन पढ़ा हुआ व्यक्ति पक्का वकील बन सकता है, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्षी इतने अच्छे से अपनी बात को रखना जानता है कि
जो जिसने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा ना, वो तो बेचारा उसका दिमाग ही घूम जाएगा कि भी पूर्व पक्षी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, ऐसे बात करना सिखाता ही। लेकिन इसका प्रयोग वहीं पर ही करना चाहिए जहां पर सत्य को जिताना है। तो इन्होंने सिखाया ना हमारे को छल जाति निग्रह स्थान, और उसको बताया कि भाई इसको ना वो फेंस की तरह से यूज करना, अपनी फसल की रक्षा करने के लिए, वृक्ष की रक्षा करने के लिए। तो जानोगे तो प्रयोग कर पाओगे, हमेशा प्रयोग मत करना, जब उसकी जरूरत हो तब प्रयोग करना, या दूसरा कोई प्रयोग कर रहा हो तो उसको पहचानना और फिर उसको खंडित करना, नहीं तो कोई दूसरा हमें बुद्धू बना जाएगा। तो इसलिए सिखाया। ये कह रहे हैं स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य उपधान भेदात नानात्व अभिमान इति अयम अविद्यमान हेतु कह पक्ष। कह रहे हैं स्फटिक मणि का स्फटिकस्य अभेदेन अवस्थितस्य, जो कि अभेद रूप से जो अवस्थित है स्फटिक मणि, उसमें उपधान भेदात अलग अलग वस्तु में जब उसके समीप लाते हैं उसके भेद से नानात्व अभिमान है। एक तो वो नानात्व का अभिमान हो गया। इति अयम अविद्यमान हेतु कह पक्ष। तो इसमें तो कोई हेतु मिला नहीं था सिद्धांती को, तो ये कैसा पक्ष था इसका? अहेतु कह पक्ष। ये कह दिया था इन्होंने कि आपके पास इसका कोई हेतु नहीं है। क्यों नहीं है? कस्मात स्फटिके पी अपर अपर उत्पत्ते। तो अब उसका ये उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, हेतु है ना हमारे पास भी स्फटिक एक ही थोड़ी है। जैसे आपके पास गंध आदि के अलग अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी अलग अलग मणि उत्पन्न हो रही है। स्फटिके पी अन्य व्यक्तय उत्पद्यन्ते अन्य निरुद्धन्ते। स्फटिक मणि में भी अन्य अन्य व्यक्ति उत्पन्न हो रहे हैं और अन्य व्यक्ति नाश को प्राप्त हो रहे हैं। कथम? क्षणिकत्वात् व्यक्ति नाम, क्योंकि सारे व्यक्ति क्या है? क्षणिक है। और क्षण क्या है? क्षणश्च अल्पियान काल है, जो सबसे न्यूनतम छोटा काल है उसका नाम है क्षण। क्षण स्थिति का, क्षणी का, एक क्षण जो स्थित रहती है मणि, उसी को क्या कहा? क्षणी का। कथम पुनः गम्यते क्षणी का व्यक्तय इति। कैसे आपको पता लगा कि सभी व्यक्ति माने सभी आकृतियां मूर्तियां क्षणिक हैं? तो कहा उपचय अपचय प्रबंध दर्शनात् शरीरादिषु। शरीर आदियों में उपचय और अपचय के प्रवाह का दर्शन होने से। तो इसका भाष्य फिर कल ही पढ़ेंगे। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः।